वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास. आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें हम देखेंगे किस तरह नंबर 1 इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट. ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स इक्वल इन नंबर एंड कंपोजिशन एज ऑफ पेरेंट सेल. बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर और उनकी कंपोजिशन सेम वैसी ही होती है जैसे के पेरेंट सेल में प्रेजेंट थी. सो माइटोसिस के प्रोसेस से बनने वाले न्यू डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उनकी कंपोजिशन सेम रहती है, सेम लाइक जिस तरह से पेरेंट सेल में होती है. नंबर 2 इज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टीसेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. सो किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल सेल से बनना इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. इट्स अ डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. देन एम्ब्रियो में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में टैडपोल बनता है. देन टैडपोल से एक यंग फ्रॉग और यंग फ्रॉग से फाइनली एक एडल्ट फ्रॉग की जो डेवलपमेंट होती है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस. सो माइटोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल. नंबर 3 इज द रीजनरेशन. सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस लाइक सी स्टार. सो इट्स अ डायग्राम ऑफ सी स्टार. सी स्टार में रीजनरेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है. अगर कभी इसका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाए लाइक इस आर्म की ब्रेक डाउन हो जाए तो सी स्टार इसको माइटोसिस के प्रोसेस से रीजनरेट कर सकती है. नेक्स्ट इज द सेल रिप्लेसमेंट. इन स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव ट्रैक और स्किन की एपिडर्मिस में डैमेज्ड और ओल्ड सेल्स कंटिन्यूस लेफ्ट ड्राफ्ट होते रहते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स ले लेते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस दैट ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन सेल्स. नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स. द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज 4 months एंड आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द माइटोसिस. हमारी ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की लाइफ जस्ट 4 months होती है. सो कॉन्स्टेंटली ये पुराने वाले रेड ब्लड सेल्स आफ्टर 4 months रिप्लेस होते रहते हैं न्यू वन सेल्स से. एंड दिस रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ब्लड सेल्स बाय द ओल्ड वंस इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. Next is the repairing of damaged tissues. Damaged tissues are repaired by the replacement of exact copies of new cells from the old cells. So damaged tissue की repairing के लिए भी mitosis important role play करती है. Mitosis का process use करते हुए old cells से नए cells की copies बनाई जाती हैं जो कि exactly old cells के ही जैसी होती हैं और इस तरह से damaged tissue को repair कर लिया जाता है by the formation of new cells. Last one is the asexual reproduction. In some organisms, the new offsprings are produced asexually by budding in hydra and vegetative propagation in plants. Kuch organisms mein naye offspring asexually produce hote hain. Asexual reproduction is that reproduction in which no sex organs are involved. Instead, ye organisms apne vegetative parts ko hi use karte hue apne new organisms ko form karte hain. Like the diagram of hydra. हाइड्रा एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. हाइड्रा में मौजूद सेल्स में माइटोसिस के होने से रिपीटेडली सेल डिवाइड करते चले जाते हैं और एक आउटग्रोथ बना देते हैं. देन ये बर्ड की डेवलपमेंट और ग्रोथ माइटोसिस के थ्रू होती रहती है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन व्हेन दिस बर्ड गेट मेच्योर इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. सो अ न्यू हाइड्रा फॉर्म फ्रॉम दिस बर्ड. देन कुछ प्लांट्स भी सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स के इन प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि इनकी बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीव्स रूट्स राइजोम स्टेम एंड बल्ब वगैरह रिप्रोडक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस प्लांट दिस स्मॉल बर्ड कैन मेक अ कम्प्लीट मेच्योर प्लांट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइटोसिस.